मैं हर चीज में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्रिएटिविटी देखूँ, तो जो SNDT कॉलेज है जो जीते उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव वे में ये रैम वॉक किया. आई पर्सनली फाइंड रैम वॉकिंग वेरी डिफिकल्ट, बट उन्होंने धोती को बहुत ही कूल तरीके से प्रेजेंट किया एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट क्लिक विद मी. अभी तो शुरुआत और हमेशा हर सबको धोती में डाल दे रहे हैं. हाँ देखिए, धोती जो है हमारा बहुत ही पर्सनल, बहुत ही इंडियन, बहुत ही कल्चरल और हमारा हेरिटेज है. मैं बस यही बताना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम डूइंग अ फिल्म इन विच आई एम सपोज टू बी इन अ धोती. मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि हम धोती में भी आप नीचे पहन कर सकते हैं, हम लोग बहुत कूल लग सकते हैं. एंड सो कम्फर्टेबल, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू नो यू नॉट वेयरिंग एनीथिंग. बहुत याद आया, और खास करके ये कि ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ यही बैठा हुआ था जो मेरे साथ कॉलेज में थे, और हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि सिर्फ कल ऐसा था कि हम कॉलेज में थे. एंड आई एम सो ग्लैड, सो एक्साइटेड टू बी हियर, आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक. बहुत पार्टिसिपेट किया था और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी बट आई वॉज नॉट कूल इनफ. आई टुक मी 10 ईयर्स टू बी लॉग यू नो टू बी देयर. यस हाँ बोलिए बोलिए जी. और बस मुझे नहीं, कुछ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इफ यू डोंट बिलीव मी दैट यू नो धोती सो कूल, यू जस्ट हैव टू वेयर इट एंड यू जस्ट हैव टू सी फॉर योरसेल्फ दैट इट्स सो कूल एंड इट्स सो कंफर्टेबल एट द सेम टाइम. धोती जो भी मैं फिल्म करता हूँ उसकी बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से तैयारी करता हूँ, चाहे वो फिक्शनल फिल्म हो या कैरेक्टर जो हो वो रियल किसी पे बायोपिक हो, तो जो भी होता है बहुत मेहनत से होता है, बहुत दिन लगते हैं उसमें. आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस फिल्म फॉर लास्ट 8 मंथ्स, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको कोई विजुअल जर्क ना लगे, आपको लगे कि आप उसी को देख रहे हैं जिसको देखना है. देखिए होली जो है वो पूरे सभी त्योहारों में सबसे करीब जो मेरे है वो होली है, और मैं बहुत ही गंदी होली खेलता हूँ, मैं बहुत ही दिल्ली वाली होली खेलता हूँ. तो मेरे बहुत ही गैंग ऑफ फ्रेंड्स हैं और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे इस बार कहाँ जाएं और कितनी ज़्यादा गंदी होली खेल सकें. देखिए हर बार हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा परसेप्शन अलग है, जो गवर्नमेंट देखती है उनका परसेप्शन अलग है. मैं बस ये नहीं बोलना चाहूँगा कि हम सही हैं या वो गलत हैं या वो सही हैं हम गलत हैं, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि बहुत ही बीच में हो, जो हमारे बारे में भी सोचा जाए और एट द सेम टाइम इट हेल्प्स द कंट्री एज वेल, जो भी GDP को प्रमोट करे, और एट द सेम टाइम हमारा भी जो इतने ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली है उनकी जो ज़रूरत है उनको मद्देनज़र रखते हुए कंट्री का भी भला हो, कुछ ऐसा कर सके तो काफ़ी अच्छा होगा. ब्योमकेश बख्शी, आई डोंट नो इफ इट्स द टफेस्ट फिल्म टिल डेट और नॉट, बट वन थिंग दैट आई कैन अश्योर यू ऑफ इज दैट इन माई एरियाज ऑफ एक्टिंग इन थिएटर एंड टीवी एंड फिल्म्स आई हैव नेवर गिवन सो मच इन अ फिल्म. आई हैव नेवर अप्रोच्ड अ कैरेक्टर लाइक दिस इन अ फिल्म. थैंक्स टू द स्क्रिप्ट एंड थैंक्स टू द फिल्म मेकर दैट आई हैड इन द फिल्म, दिवाकर बैनर्जी, ही इज अ जीनियस. एंड this is my one thing I can assure you of, this is my best performance up till date, so please come and watch the film and I'm so sure that all of you will like the film. Just one question, censor board has passed a list of words that should not be used, that's a cuss word, so what are you to say on that? Dekhiye bahut hi ye paradox hai, bahut hi irony hai. हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी फिल्मों से, हम कंप्लेन करते हैं हमारी फिल्मों से कि यार ये बहुत रियल नहीं है, ये बहुत ही एस्केपिस्ट फिल्म है, इसमें सच्चाई नहीं दिखाई जा रही. तो जब हम बोलते हैं कि यार हमें रियल चीज़ें देखनी है, हमें सच्चाई देखनी है, तो हर वो चीज़ देखनी चाहिए जो सच में होता है, जैसे हम लोग रहते हैं, जो चीज़ जो शब्द का उपयोग करते हैं या जिन चीज़ों पर बात होती है. तो अगर इफ़ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग आस
of living up to the expectation of being very real, I don't think that we need a, you know, kind of a sensor on it. Ki aap ye kare ya na kare, phir to phir mujhe lagta hai ki phir to phir hamesha escapist film banni chahiye. Hamesha hum waisi love story dikhaye jo hamare real life mein hoti nahi hai. Agar hum real film ki baatein kar rahe hain to unme real muddon ke bare mein baat hogi aur real shabdon ke bare mein baat hogi. ये बहुत ही आ रहे हैं। पीरियोडिक फिल्में आई थी, अभी लुटेरा आई थी हाल में। पीरियोडिक फिल्में आप क्या मानते हैं, पीरियोडिक फिल्मों का समय चल रहा है या नहीं चल रहा? देखिए, समय किसी चीज का नहीं चलता। एक लव स्टोरी जो होती है, जो कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी होती है, वो भी नहीं चलती, और दूसरी फिल्म बहुत अच्छी चलती है। तो हम बैठ के ये नहीं सोचते कि यार कौन सी फिल्म चलेगी, हम ये सोच के हम ये बैठ के फिल्म बनाते हैं कि किस चीज़ पे हम विश्वास करते हैं, क्या स्टोरी है जो हम ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप उस चीज़ में क्लियर हैं और आप पूरी शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से वो चीज़ अच्छे से शूट करते हैं, तो आई थिंक कि चाहे वो फ्यूचरिस्टिक फिल्म हो या प्रेजेंट फिल्म हो या फिर वो एक डेटेड फिल्म हो, वो लोग समझेंगे और वो लोग वो फिल्म चलेगी। मैसेज क्या दे रही है ये समाज को? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म है जो मैसेज ही दे। फिल्म का मेन मुद्दा ये होता है कि हम एंटरटेन करें, उसमें अगर हम मैसेज दे सके तो वो काफी अच्छा है। सुशांत, हाय, दिस इज समथिंग न्यू दैट यू हैव ट्राइड, यू नो, इन द लास्ट टाइम, एंड यू नो, हाउ वेल हैव यू रिसर्च फॉर दिस फिल्म? हैव यू गॉन थ्रू द नॉवेल? हैव यू रेड इट? या सो आई टेल यू व्हाट, इन ईच एंड एवरी फिल्म दैट आई डू, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ रिसर्च दैट गोज इनटू इट। टू अ पॉइंट आई कैन नॉट पुट अ फिंगर ऑन इट। आई कांट से कि ओके, ये सारी चीजें मैंने की हैं या ये सारी चीजें ये फिल्म के लिए सही थी, बट यू नो, with your heart, you give your best, you do a lot of research to a point that the first day of the shoot, when you're shooting for the film, you in your head, you are not pretending to be the character, you are the character. So anything that goes into it, any kind of research, any amount of research, it has to be done. Is there a lot of effects, like involving VFX as well? Of course it is. I mean, like, it's 1940s, we cannot be possibly shooting in Calcutta of 2015 and make believe that's 1940s. Was it tough enough to actually show them? Of course, that's not my job. That's the filmmaker's part of it. Of course it is. But one thing that I want to point out is that when I stepped into the stage, when I stepped into the set, I believe because of the super work by the filmmaker, because of the super work by the production designer, when I went onto the set, it was each and every detail of it. When you watch the film, you'll get to know each and every detail of it was 1940s. Sushant, India World Cup की तरफ बढ़ रहा है और MSG पे ऊपर आप पिक्चर भी कर रहे हैं, तो क्या उसे रिवील करें, कुछ रिवील करें उस पिक्चर? And also उनके घर में भी आया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या कह रहे हो? बच्चा हुआ है। हाँ। देखिए, मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मैं अगली फिल्म किस पे कर रहा हूँ और उनकी जो बारीकियाँ हैं, उनके जो नुआंसेस हैं, उनको किस तरीके से दिखाना है। अभी तक जो उन्होंने किया है, बिकॉज ही इज़ अ फिगर लाइक दिस, बिकॉज वो ज़्यादा जो है वो शो नहीं करते, लेकिन अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा होता है, जिसकी वजह से इस देश ने, हम सब ने वो अचीव किया है जो 20 साल तक अचीव नहीं किया था। तो वो चीज़ें जो उनके दिमाग के अंदर चल रही होती है, वो चीज़ों को दिखाना है। वो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द फिल्म इज द अनटोल्ड स्टोरी, और इसीलिए हम ये फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, बहुत जासूसी की है। मैं बहुत ही पोजेसिव हूँ। मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मैं उनके लिए बहुत पोजेसिव हूँ, तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो है, मैं बहुत ही इनहेरेंटली बहुत ही बड़ा डिटेक्टिव हूँ, और मैं हमेशा बहुत ही सटीक, बहुत ही ऑब्जर्वेंट व्यू रखता हूँ कि मेरे अपने जो है वो क्या कर रहे हैं। दैट हेल्प मी अ लॉट इन द फिल्म। थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही गंदी होली खेलें। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।